नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंडअप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बलौदाबाजार से बड़ी जानकारी। सीमेंट फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है। काम के दौरान एक मजदूर की जान चली गई है। बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है मजदूर। जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई कि आखिर किस वजह से हादसा यहां पर हुआ। बलौदाबाजार से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा। हादसे के दौरान एक मजदूर वहां पर मौजूद था और उसकी जान चली गई। बिहार के बेगूसराय का रहने वाला मजदूर बताया जाए। सीमेंट फैक्ट्री में क्या हुआ इस बारे में जानकारी भी हम लेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानकारी आप देखें कि सीमेंट फैक्ट्री में एक ऐसा हादसा जिसने घटनास्थल पर कितना कोहराम मचाया होगा इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक मजदूर जो वहां पर मौजूद था घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बिहार का मूल था बेगूसराय का निवासी, 40 वर्ष की उम्र है, ये यही काम करता था मशीन चलाने का और यहाँ काफ़ी मजदूर बिहार की हैं, उनके जात भाई लोग। तो जब किसी की मौत होती है तो जरूर संवेदना तो रहता है, उस हिसाब से उन्होंने काम बंद किया और उसके प्रति संवेदना व्यक्त किया। अभी सब मजदूर घटना का कारण क्या बता रहे हैं? अभी तो हॉस्पिटल में जब तक पीएम नहीं होता और उसके वारिसान जब तक नहीं आते तब तक उसके सही मौत के बारे में नहीं कह सकते। कोई कह रहा है कि ये करंट लगा है, कोई बोल रहा है अटैक आ रहा है, तो हमारे और उनके कहने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर पीएम में स्पष्ट रिपोर्ट देंगे तभी ये जानकारी दिया। चलिए, तो कुल मिलाकर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से हादसा हुआ, क्या कुछ मौके पर हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मजदूर की जान कैसे गई। फिलहाल यही आशंका कि हादसे के चलते यहां ये सब हुआ है, करंट लगने की आशंका भी कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय का रहने वाले मजदूर, ये भी बता रही है पुलिस के अन्य मजदूर जो यहां पर काम करते हैं, बड़ी संख्या में बिहार से यहां पर पहुंचे हैं, उनके बीच भी डर का माहौल है। ऐसे ही योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, क्या कुछ हुआ हादसे के दौरान? जी देखिए अवंतिका, आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र है, इसमें बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कुकुरडी नामक गांव है, वहां नव निर्माणाधीन अल्ट्राटेक सीमेंट में काम चल रहा था। उसी दौरान काम करने के दौरान जो मजदूर है करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि इसके बाद, इस घटना के बाद सीमेंट प्लांट में जितने भी मजदूर थे आक्रोशित हो गए थे, मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन मौके पर एसडीओपी सुभाष साहब ने मजदूरों को समझाया और मजदूरों ने अपनी मुआवजा राशि और पीड़ितों को नौकरी दिलाए जाने की मांग की है। हालांकि मामला भी शांत हो गया है और पूरी स्पष्ट जो जानकारी है अब तक पूरी नहीं आई है। कल पूरे मामले का पता चलेगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन मजदूर खत्म हुए हैं उसके लिए क्या कर दिया। ये पहली बार मामला नहीं अवंतिका, ऐसे और कई बार मामला हो चुके हैं। मजदूर न्याय के लिए लड़ते रहते हैं लेकिन प्रबंधन द्वारा कई बार लापरवाही भी देखी जाती है, जिसके चलते मजदूर भी आक्रोशित हो जाते हैं और मजदूर को सही मुआवजा और सही नौकरी नहीं मिल पाती है। और वहीं आपको बता दें कि जो मजदूर है वो, उसका नाम श्रीकांत है, जो बिहार के बेगूसराय का निवासी है। हालांकि जितने भी यहाँ मजदूर काम करते हो बाहरी मजदूर रहते हैं, जिसके चलते हादसे कई बार हो चुके हैं और कई बार हादसे जो है पता नहीं चल पाता, लेकिन इस बार मजदूर भी आक्रोशित हो चुके हैं और घंटों लोग भी काम करके जाम भी कर चुके थे। लिहाजा आपको बता दें कि हाजी बाबा ग्रुप में पेटी कॉन्ट्रेक्टर ग्रुप के अंदर ये मजदूर काम करता था। घटना के बाद जो प्रबंधन इस पर सामने नहीं आया है, अब सामने आने के बाद ही पूरी जानकारी स्पष्ट चलेगी। अवंत, चलिए कुल मिलाकर बहुत जरूरी, अगर सहायता प्रबंधन की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है तो उस व्यक्ति की हालत और उस पीड़ित परिवार की हालत भी ठीक हो। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। सुकमा से इस व्यक्ति की और बड़ी जानकारी, एक लाख का इनामी नक्सली यहां से गिरफ्तार किया गया है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने नक्सली को पकड़ लिया है। नक्सली के पास से कॉर्डिक्स वायर और साथ ही साथ डेटोनेटर भी जब्त हो चुका है। पिडमेल समेत कई बड़ी घटनाओं में शामिल था ये व्यक्ति। 12 सालों से नक्सली संगठन में सक्रियता के साथ काम कर रहा था। फौरन पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने उसे गिरफ्तार किया। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? जी आप लगातार जो है नक्सलियों की सूचनाओं पर जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आज गच्छनपल्ली इलाके में जवान सर्चिंग पर निकले थे तो उन्हें देखते हुए जंगल में संदिग्ध आदमी जो है भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया। उनके पास से जो है डेटोनेटर बरामद किया, साथ ही विस्फोटक सामग्री बरामद किया। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पीछे 12 साल से नक्सल संगठन में काम करना स्वीकार किया और साथ साथ कई घटनाओं में शामिल होना भी बताया है। उस पर 1 लाख का इनाम है, गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की गई, जिसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जो जेल भेज दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दुर्ग जिले की, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ लगातार पुलिस एक्शन मोड में, 8 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 लाख कैश के साथ कई मोबाइल जब्त किए हैं। भट्टी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, और दुर्ग से ही आप इस तरह की कार्रवाई का सिलसिला लगातार देखते आ रहे हैं। एक बार फिर से आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसाया। 8 आरोपी इस बार गिरफ्तार किए गए हैं, कई मोबाइल इनके हवाले से जब्त हुए हैं। भट्टी थाना पुलिस की कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टा ऐप यानी कि महादेव ऐप को लेकर एक्शन मोड में लगातार पुलिस काम कर रही है। दुर्ग से, रायपुर से, बिलासपुर से पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और अब एक बार फिर से कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ, दायरा आगे बढ़ता हुआ, नेटवर्क और बड़ा हो सकता है, इसके लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गरियाबंद की, जहां शराब दुकान के विरोध में महिलाओं ने एक तरफ प्रदर्शन किया, तो उसके बाद अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन का रुख किया है। शराब दुकान हटाने की मांग लगातार की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई है। तहसीलदार के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी माने हैं। ये गरियाबंद की तस्वीरें आप देखिए, स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं यहां पर, लेकिन इस बार एबीवीपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए, लेकिन झड़प भी देखने को मिली। देखिए कितना हिंसक होता गया ये प्रदर्शन। पुलिस को मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज करना पड़ा, मोर्चा संभालना पड़ा। स्थिति नियंत्रण में तब आ पाई जब तहसीलदार यहां पर पहुंचे, आश्वासन दिया गया कि शराब दुकानों को यहां से हटा दिया जाएगा। उसके बाद कहीं जाकर प्रदर्शन शांत हुआ। गरियाबंद में लगातार प्रदर्शन की राह पर एबीवीपी कार्यकर्ता शराब दुकान को हटाने की मांग कर रहे हैं। और अब कवर्धा से अगली बड़ी खबर, जहां संयुक्त कर्मचारी संगठन ने भी प्रदर्शन किया है, अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली है, और रैली स्वरूप में पहुंचते हुए तमाम बड़े अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अपनी मांगों को लेकर लगातार संयुक्त कर्मचारी संगठन प्रदर्शन की राह पर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक उनकी बातें पहुंचे, और इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी संगठन एक बार फिर से रैली के रूप में निकले, प्रोटेस्ट किया। और छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की हड़ताल की वजह से जिले भर के दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहा है। इन दिनों दोनों ही संगठनों के द्वारा जिला मुख्यालय में विशाल रैली आयोजित की गई है। भारी बारिश के बावजूद छाता लेकर कर्मचारी अधिकारी निकले और मांगों को लेकर नारेबाजी करते नजर आए। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 5 सूत्रीय और छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। हड़ताल कर्मियों ने मांग की है कि जन घोषणा पत्र में जो नियमितीकरण का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कांग्रेस सरकार ने हम संविदा अधिकारी कर्मचारियों को सरकार बनने के 10 दिवस के अंदर नियमितीकरण करने की बात कही। इतना ही नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे मंच पर के आकर के 14 फरवरी 2019 में कहे थे कि इस साल कर्मचारियों के लिए है, आने वाला साल में आप लोग के लिए रहेगा। लेकिन आने वाला साल क्या, आज 5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन आज तक कोई भी निर्णय हमारे पक्ष में नहीं लिए हैं। देखिए, भूपेश सरकार जो है, चुनाव से पहले इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, जो संविदा कर्मचारी है उनका नियमितीकरण करेंगे, और जिनका वेतन विसंगति है हम उनका वेतन विसंगति दूर करेंगे, और जो महंगाई बताकर हमारा जो लंबित मांगे हैं हम उसका भी निराकरण करेंगे। कांग्रेस सरकार का 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था कि हमको नियमित किया जाएगा, उतनी ही हमारी सीमित की मांगे हमको बस नियमित करें, और कर्मचारी वर्ग को भी वो मतलब अपना लाभ दिया जा रहा है, वो हम ही को नहीं दिया रहा। हमारी सिर्फ एक मांग है, हमें भी नियमित करें, हमको भी सुरक्षित करें, हमारा विश्व भी सुरक्षित करें, बस। अपने वित्त विभाग में अटकी हुई है, जिनको लागू करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। हमारी जो विशेष दो मांगे हैं, वेतन विसंगतियाँ केंद्र के समान 4 स्तरीय केंद्रीय वेतनमान और 13 माह की वेतन वर्ष में, और जिस प्रकार से अपने केंद्र में और अन्य प्रकार की भत्ते हैं। और अब खबर बलरामपुर से, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर किए गए इस प्रदर्शन में कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। इस
अधिकारी हैं, जो हम लोग अभी संविदा कर्मी हैं, हम लोग को नियमितीकरण चाहिए और हम लोग को ईपीएफ का लाभ चाहिए, ट्रांसफर की ट्रांसफर होना चाहिए, हम लोग की ट्रांसफर का लाभ चाहिए और हम लोग का एक 65 साल की जॉब की गारंटी चाहिए। जब यह सरकार विपक्ष में थी 2018 में हमारे मंच पे आके इन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी हम 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे। आज पौने 5 साल हो चुका है परंतु नियमितीकरण के पथ पे एक भी कदम आगे नहीं हुआ। इन्होंने द्वारा केवल कमेटी बनाई है, वो कमेटी रह के गई है। कल भी कैबिनेट बैठक हुआ था, उसमें हमारे वरिष्ठ नियमित साथियों का 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, परंतु आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह सरकार कर्मचारी विरोधी है, संवेदनहीनता है इसमें, और इनके द्वारा आज तक जो संविदा कर्मचारी है उनकी 1 रुपये 4.5 वर्ष में बढ़ाई नहीं है। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आए थे, उन्होंने अपने नियमितीकरण के लिए और किसी भी की छटनी ना किया जाए इसके संबंध में दिया है ज्ञापन। और दूसरा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन भी आए थे, उन्होंने अपनी 24 सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम हमको ज्ञापन दिया है। और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां NH 343 पर जाम की स्थिति बनी हुई है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें, घाटी में ब्रेकडाउन होने के चलते जाम की स्थिति एक बार फिर से। दलधोबा घाटी में जाम लगा हुआ है, जाम खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम लगातार यहां पर काम कर रही है। NH 343 जिसको लेकर अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं, जाम की स्थिति एक बार फिर से इसी मार्ग पर, उसे खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। लेकिन आप देखिए वाहनों की लंबी कतारें एक बार फिर से बलरामपुर के NH 343 इसी मार्ग पर अक्सर इस तरह की समस्याएं आती हैं। और अगली खबर रायगढ़ से है, जहां ग्रामीण ने खुदकुशी कर ली है। महिला के थप्पड़ मारने से ग्रामीण आहत था, जमीन विवाद के चलते पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। पुलिस ने घटना की पुष्टि की और मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पखना गांव की पूरी घटना है, तफ्तीश में पुलिस लगातार जुटी हुई कि किस दबाव के चलते सुसाइड की, नोट के आधार पर भी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। तो ग्रामीण ने खुदकुशी की है, जिसे लेकर अब पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पहले जमीन विवाद के चलते पूरा मामला शुरू हुआ था, मारपीट की भी जानकारी थी इस मामले में, और उसके बाद इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। इधर सूरजपुर से रायपुर जा रही एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। खड़े ट्रेलर में बस के टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 युवक सूरजपुर के जमदेह गांव के रहने वाले थे। इस हादसे पर शोक जताते हुए सीएम भूपेश बघेल ने मृतकों के परिवारजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, ये एक बस जो जा रही थी यहाँ से रायपुर जा रही थी, उसका बेलतरा के पास जो है एक्सीडेंट हुआ है। इसमें शासन स्तर पे ये है कि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो 4-4 लाख रुपए की घोषणा की गई थी, उसका वे चेक का वितरण हम लोग के द्वारा कर दिया गया, आज ही कर दिया गया। और ये दोनों जमदेही के रहने वाले थे और उनके मृतक के जो परिजन हैं उनको हम लोगों के द्वारा जो चेक की राशि दे दी गई। इधर कोरिया में जमीन घोटाला को लेकर राजस्व अधिकारियों पर गाज गिरी है। बैकुंठपुर एसडीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। इससे पहले सरगुजा संभागायुक्त ने तत्कालीन तहसीलदार को निलंबित कर दिया था और अब एक और कार्रवाई, पटवारी को भी निलंबित कर दिया गया। जो शासकीय मत की भूमि थी, छोटे बड़े झाड़ के जंगल, तो उसके साथ हेराफेरी हुई है। तो उसके बाद हमने एक रिपोर्ट बना के विस्तृत हमने कमिश्नर कार्यालय को भेजी थी और वहाँ से भी तहसीलदार के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है और उसमें जो संलिप्त पटवारी थे उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई हुई है और तत्काल ही इसमें आरोप पत्र बना के संबंधित को जारी किया जाएगा। उसके बाद आगे कार्रवाई जो होगी उसमें। और उधर रायगढ़ में ग्राम कवरगा में एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। हत्या से पहले युवक ने शराब के नशे में मां के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट के बाद अपनी ही मां को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मौके से फरार हो गया। हालांकि फौरन पुलिस ने तत्परता दिखाई, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल जो मां के निरीक्षक है उप निरीक्षक रमाशंकर तिवारी मां के थाना प्रभारी वो अपनी टीम के साथ मौके पर गए। मौके पर जाकर उन्होंने पंचनामा कार्रवाई की, पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम कराया, जो आरोपी था उसको हिरासत में लिया और फिर उससे घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई, जिसमें ये जानकारी मिली कि युवक 4 तारीख को सुबह से शराब पीकर आया हुआ था। शराब पीकर उसके साथ मां के साथ उसका विवाद होने लगा। राजनांदगांव में बारिश और नए शिक्षा सत्र के शुरू होने पर आरटीओ द्वारा स्कूल बसों और सवारी बसों का फिटनेस चेकअप किया गया। 3 दिवसीय अभियान में बसों में खामियां पाए जाने पर 23,000 का अर्थ दंड भी वसूला गया है। कि अभी पिछले 3 दिन में हमने स्कूल बस की चेकिंग की है। पहले दिन 54 बसेस आई थी और उसमें 8 बसेस में खामियां पाई गई,
उसमें 6000 का चालान किया गया था। फिर हमने 10 फिर दूसरी और जो बसेस बची थी उनको बुलाया गया, तो केवल 10 बस आई थी और उसमें 4 बस में हमने 3000 का फाइन किया है। और मोहला मानपुर में 6 बस की चेकिंग किया गया था, उसमें तो फाइन नहीं किया गया। और रही बात है सवारी, इधर कांकेर जिले के अंतागढ़ को एक और नई ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया हरी झंडी दिखाकर। रायपुर से प्रधानमंत्री, अंतागढ़ से सांसद मोहन मंडावी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इधर पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तस्वीरें लगातार चर्चाओं का विषय बन रही हैं। पीएम ने न सिर्फ छत्तीसगढ़वासियों को विकास कार्य की सौगात दी है बल्कि उनकी परंपराओं और संस्कृति में भी रंगे नजर आए। पीएम की सभा छत्तीसगढ़ी कलेवर से रंगी बसी थी। मंच पर सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर और साथ ही पीएम ने अपने भाषण की शुरूआत भी छत्तीसगढ़ भाषा से ही की। छत्तीसगढ़ महतारी, माता बमलेश्वरी, माता दंतेश्वरी, माता महामाया, बाबा भोरमदेव और बाबा गुरु गाजीदास जी के ये पावन भूइया ले आप जम्मो दाई बहनी संगी साथी मल्ला मोर जय जोहार। और इस बीच दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वीडी शर्मा ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। चुनाव प्रभारी नियुक्त होने के बाद ये पहली मुलाकात है। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया। संगठन मंत्री इतानंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे और मुलाकात की तस्वीर सामने है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भूपेंद्र यादव के बीच मुलाकात। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी के तौर पर भूपेंद्र यादव अब सामने। इधर कोरबा के किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने देशभर में अपना परचम लहरा दिया है। किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य मेडल अपने नाम किया। कुल मिलाकर खिलाड़ियों ने 4 मेडल अपने नाम किए हैं। देश में 4th स्थान प्राप्त किया है। कांकेर के पखांजूर इलाके में एक बार फिर से हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। कापसी वन परिक्षेत्र के खेरकट्टा गांव में हाथी ने एक ग्रामीण के घर को तहस नहस कर दिया। तस्वीरें आप देखिए, अरिक बूट में भी किसान के घर और खेतों को जंगली हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। वन विभाग भानुप्रतापपुर की तरफ से निगरानी की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान बताया गया मौसम विभाग की तरफ से कि भारी बारिश अलग अलग जिलों में हो सकती है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देखिए जहां पर पहले से ही जनजीवन अस्त व्यस्त है। आने वाले समय में अगर इन जिलों में बारिश होती है तो किस तरह के हालात होंगे ये भी आप समझ सकते हैं। गरियाबंद, जशपुर, मुंगेली और कोरबा की तस्वीरें। और अब 25 सेकंड में खबर। रायपुर में विजय संकल्प महारैली में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, बदलवो बदलवो का दिया नारा। रायपुर में पीएम ने मंच से कांग्रेस पर बोला हमला, कहा वो भ्रष्टाचार की गारंटी तो मोदी कार्रवाई की गारंटी, शराबबंदी के वादे पर उठाए सवाल। सीएम ने किया पीएम मोदी का स्वागत, कहा माता कौशल्या की धरती प्रभु श्रीराम के नौनिहाल छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दिया विकास का बड़ा तोहफा, सड़क से लेकर रेल लाइन तक की दी सौगात। पीएम मोदी ने अंतागढ़ रायपुर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, पीएम ने कई जरूरतमंदों को बांटे आयुष्मान कार्ड। पीएम के आरोपों पर सीएम भूपेश का पलटवार, ट्वीट कर लिखा आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी, छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई गुमराह नहीं कर सकता। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस का निशाना, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बोले मोदी जी की सभा का नहीं होगा सर, 75+ का टारगेट पूरा करेगी कांग्रेस। सूरजपुर में सड़क हादसा, ड्राइवर समेत बीजेपी के 3 नेताओं की मौत, पीएम के रैली में शामिल होने जा रहे थे सर। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ड्राइवर सहित 3 की मौत, कोयला लोडर ट्रक से टकराई बस। शनिवार को अंबिकापुर दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, बूथ चलो अभियान की करेंगे शुरुआत, मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज होने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, राहुल गांधी से डर गई है बीजेपी, अंत में सत्य की जीत होगी। बीजेपी चुनाव प्रभारी उमाथुर ने बुलाई बैठक, पीएम के जाने के बाद बीजेपी की अहम बैठक, आज ही चुनाव प्रभारी घोषित हुए उमाथुर।
कवर्धा में जोगी कांग्रेस का खेत चलो अभियान, किसानों को जोगी कांग्रेस परिवार से जोड़ने का काम शुरू। सुकमा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने किया गिरफ्तार, नक्सली के पास से कॉर्टेक्स वायर और डेटोनेटर जब्त। रायगढ़ में ग्रामीण ने की खुदकुशी, महिला के थप्पड़ मारने से था आहत, जमीन विवाद में हुआ था झगड़ा। कवर्धा में संयुक्त कर्मचारी संगठन का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कोरिया में जमीन घोटाले में 2 पर गिरी गाज, एसडीएम ने पटवारी को किया निलंबित, तत्कालीन तहसीलदार पर भी हुई थी कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप मामले में एक्शन में दुर्ग पुलिस, 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1.5 लाख कैश के साथ कई मोबाइल जब्त। जगदलपुर में नलों से गुलाबी पानी की सप्लाई, 2 वार्डों में नलों में आ रहा गुलाबी पानी, पार्षद ने नगर निगम पर लगाया आरोप। सूरजपुर में ट्रेलर से टकराई बस, हादसे में 3 लोगों की मौत, सीएम ने 4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। बलरामपुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कोरबा में खेत में मिला मजदूर का शव, मजदूरी करने की बात कहकर घर से निकला था युवक, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, रायपुर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश। जशपुर में बारिश से उफान पर नदी नाले, लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया कर रहे पार। जशपुर के पथल गांव में सड़क के ऊपर बहरा पानी, नजियापारा के पालाडी नाले में भी ऊपर से बहरा पानी। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।